महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे एकादश ने महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक एकादश को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में 16 फरवरी 2020 को खेले गए एक मैत्रीपूर्ण मैच में 16 रनों से पराजित किया। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे राजीव अग्रवाल, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक GS राणा तथा उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक प्रकाश चंद बरोड ने विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया। टॉस जीतकर भारतीय स्टेट बैंक ने महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे एकादश को बल्लेबाजी करने हेतु आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 137 रन बनाए। पूर्वोत्तर रेलवे के मनोज पांडे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों पर 4 चौके की सहायता से 38 रन, आशीष यादव ने 27 गेंदों पर 2 चौकों की सहायता से 35 रन, पंकज कुमार सिंह ने 34 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 21 रन, एसपी सिंह ने 6 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 14 रन, ऋतुराज सिंह ने 6 रन, डी के खरे ने 4 रन, अनु ने 3 रन, रंजीत ने 5 रन तथा BS धोरे ने 1 रन बनाए। भारतीय स्टेट बैंक के मंसूर, रितेश, रोहित तिवारी एवं सिद्धार्थ ने एक एक विकेट प्राप्त किया, जबकि 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय स्टेट बैंक की टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 121 रन ही बना सके। भारतीय स्टेट बैंक के सलामी बल्लेबाज कुंवर ने 47 गेंदों पर 30 रन, समर अब्बास रिजवी ने 35 गेंदों में 5 चौके की सहायता से 38 रन, अनुपम ने 7 रन, रितेश ने 10 रन, मंसूर ने 8 रन तथा कुणाल ने 12 रन बनाए। पूर्वोत्तर रेलवे के मनोज पांडे एवं आशीष यादव ने 2-2 विकेट तथा रंजीत ने 1 विकेट लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के मनोज पांडे को मैन ऑफ द मैच, आशीष यादव को बेस्ट बॉलर एवं भारतीय स्टेट बैंक के समर अब्बास रिजवी को बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्रीमती अलका अग्रवाल, संगठन की सदस्याएं, पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी तथा भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक SS ठाकुर, भारतीय स्टेट बैंक रेलवे कॉलोनी शाखा के मुख्य प्रबंधक राघवेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस मैच के कमेंटेटर नसीमुर रहमान एवं के बघेल ने शानदार कमेंट्री की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय स्टेट बैंक नेटवर्क 3 के महाप्रबंधक GS राणा तथा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने कहा, लंच करके जाइए, जनरल मैनेजर SBI का देश जहाँ अनेकता के विभिन्न धर्मों में मिला है एकताकरण, जहाँ संगम होता है विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न कलाओं का, लेकिन मैच के ओपनिंग के पहले वेलकम के लिए और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, मैं उन दोनों टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा खेले, एंजॉय करें और जीते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक का हमेशा से ही साथ रहा है और रेलवे के जो कार्य हैं, जैसे कि कैश कलेक्शन का कार्य है, उसकी एक शक्ति योजना है, वो भी स्टेट बैंक के द्वारा चलाई जा रही है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो सेविंग्स अकाउंट्स हैं, मोस्टली स्टेट बैंक के साथ में हैं। और तीसरा, अभी हाल में जो बिज़नेस को ईज़ करने के लिए एक
LC लेटर ऑफ क्रेडिट वाला कार्य शुरू किया गया है रेलवे में, जोर शोर से चल रहा है। उसमें भी SBI ने आगे आकर के रेलवे की इसमें मदद की है। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसको सेवलेट करने के लिए हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया, हमारे साथ में स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर श्री राणा भी हैं, कि यह एक फ्रेंडली मैच रखा जाए, तो वो आज हम लोगों ने प्लान किया है। आशा है कि इस मैच के द्वारा आपस में समन्वय और भी बढ़ेगा। मे द वेस्ट टीम विन। गोरखपुर के बीच में है, जैसा अग्रवाल साहब ने बताया कि ये सभी को विदित है कि रेलवे जो इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और स्टेट बैंक के लिए सबसे बड़ा कस्टमर है। जहाँ भी रेलवे के बड़े ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, एम्प्लॉई, सभी के अकाउंट हमारा, और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारा यहाँ पर जो रिलेशनशिप है गोरखपुर में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीप है। और जैसा अग्रवाल साहब ने बताया, अभी लेटेस्ट एक जो डेवलपमेंट है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रेलवे के बीच में, जो LC को लेकर के जो इनके वेंडर्स हैं उनकी पेमेंट को लेकर नया प्रोडक्ट बैंक ने लॉन्च किया, एंड होपफुली और आगे जो है हमको मदद मिलेगी इसको रिश्ते को और इम्प्रूव करने में। और ये फ्रेंडली मैच जो आज ऑर्गेनाइज किया जाए, पहचान मुझे बताया गया कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। आई थिंक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है यहाँ पर जो रेलवे की टीम है गोरखपुर में, स्टेट बैंक की टीम है गोरखपुर में, हमारे मेरे सहयोगी यहाँ पर DGM मिस्टर बरोड मेरे यहाँ पहुँचते, उन्होंने बताया था जब मैं 7-8 महीने पहले लखनऊ में रिपोर्ट किया था, इस तरह से यहाँ पर एक मैच की वो है परिपाटी है। आई वेरी हैप्पी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब भी मैच होगा मैं ज़रूर आकर मिलूँगा। इनफैक्ट अग्रवाल साहब के ऑफिस में जाकर मैंने ये चीज़ शेयर करी थी कि हम मैं इस मैच में जरूर शिरकत करूँगा। इस मैच के लिए मैं लखनऊ से आया हूं, और एक बार फिर से बड़ी खुशी है इस तरह से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। दोनों टीमों को मेरी ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू। मैच में मंसूर एक बार फिर से डायने आज 100 ओवर तक विकेट आते हैं करने की कोशिश। गेंद लेकिन सब कुछ स्टार्ट करने की कोशिश, देखना है कि बैट से लगे अथवा नहीं है। तेजी के साथ आकर एक रन पूरा किया दोनों बैट्समैन ने, हालांकि वहां पर निशाना चूका था। ऑन साइड में गेंद को सर लग की दिशा में और आसानी के साथ एक रन भाग कर पूरा किया। और ये तिमेरी अंतिम सांस है, अभी तक उसका दम बाकी है। और ये उन्होंने सलामी दी है अपने डीजे साहब को। मिस किया जा रहा है इधर, स्कोर है स्कोर झूलना स्कोर 120 रन को स्कोर। और इस बार ये किस पर फुल टॉस बैट की और बैट में रिवर्स इस बार बहुत बढ़िया।
थैंक यू मैडम, थैंक यू। वास्तव में हमारे कमेंटेटर का बहुत बड़ा भूरोल रहा हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में, बड़ी बारीकी के साथ। पूर्व मैच पूर्वोत्तर रेलवे और स्टेट बैंक की गोरखपुर रीजन की टीम के बीच हुआ। ये भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक के संबंधों को नया आयाम देने की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है जो पिछले साल शुरू किया गया था, और इसमें दोनों ही तरफ की टीमों ने बहुत ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट किया और एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला, बराबरी का मैच। हालांकि इस मैच में आज की विजेता भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे की टीम रही है और रनर अप स्टेट बैंक की टीम रही है। मैं दोनों ही टीम को बधाई देना चाहूँगा, इन्होंने इतने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया।